तो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस कौन से आवश्यक हैं जो अच्छा काम करें, अच्छा कार्य करें? तो जरा जल्दी से इसको एक बार नजर घुमा लीजिए। चलिए, तो हम मंडियों की बात कर रहे थे। पहले भी एपीएमसी मंडीज की और बात हुई थी। एपीएमसी मंडीज वही हैं जो कृषि विपणन समिति की जो मंडियां होती हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग कमिटीज की जो होती हैं, तो होलसेल एग्री लॉ रिफॉर्म्स मस्ट बी अंडरटेकन केयरफुली, ensuring they do not eliminate the necessary parts of the complex chain. क्या बोलना चाह रहे हैं इसके अंतर्गत? ये जो परिवर्तन अभी लेके आया ना एपीएमसी मंडीज वाला, और तीन तरह के परिवर्तन आपको बताए थे कि अब एपीएमसी मंडी के बाहर भी किसान बेच सकते हैं, किसानों को इजाजत दिए ना कि अब आपको जरूरी नहीं है कि एपीएमसी मंडीज में ही आप बेचें, अब बाहर भी बेच सकते हैं। और साथ साथ
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग की बात हुई थी, और आपको कौन कौन से तीन बताए थे बड़ी चीजें जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के तहत, तीन चीजें बताई थी, बताओ कमेंट बॉक्स में बताइए तीन चीजें। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग एक, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बताया था ना। तो ये रिफॉर्म्स आए थे, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, स्टेट स्पेलिंग सेंटर मूविंग इन। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड इन मई 2020 द इंटेंशन टू लेजिस्लेट ए न्यू सेंट्रल लॉ टू एनेबल फार्मर्स टू सेल टू एनीवन। किसी को भी बेच सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपको पता होगा कि एपीएमसी बायर्स के बाहर भी वैसे भी बेचा जाता था, इन मंडीज के बाहर वैसे भी बेचा जाता था, क्योंकि एपीएमसी मंडी है कितनी, बहुत कम। तो जहां एपीएमसी मंडी की पहुंच नहीं है या किसान जहां नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पर बाहरी लोगों को बेचा जाता था। तो वाकई में भी होता था ऐसा, कोई ये छूट देकर के कोई नया काम नहीं हुआ, लेकिन अब बकायदा किसान जो है वो बेच सकेंगे, नहीं तो लाइसेंस लोगों को ही बेच पाते थे। द सेंटर वॉज फ्रस्ट्रेटेड विथ यूजलेस रिफॉर्म्स ओवर द ईयर्स एट स्टेट लेवल, है ना, स्टेट लेवल पर जो यूजलेस रिफॉर्म्स होते थे उससे फ्रस्ट्रेट था। सो कॉम्प्लेक्स रियलिटी, द हरी इज अंडरस्टैंडेबल, जो इतना जल्दी जो किया है वो समझने लायक है, बट रियलिटी ऑन ग्राउंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखिए, अब ये आपको निबंध लिखना पड़ेगा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में, या बड़ा प्रश्न जब आप लिखोगे, बड़ा आंसर जब लिखोगे तो इसको आप दे सकते हो। लीगल रिफॉर्म्स अलोन कैन नॉट ब्रिंग इकोनॉमिक फ्रीडम्स, फ्रीडम फॉर फार्मर्स। केवल लीगल रिफॉर्म्स जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता निर्धारित नहीं कर सकते, न ला सकते हैं। फार्मर्स प्रॉब्लम आर नॉट ओनली ड्यू टू वेस्टेड मोनोपोलिस्टिक इंटरेस्ट बट आल्सो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। तो हमारी जो किसानों की समस्या है वो तो भारत की संरचनात्मक समस्या है ना, कृषि की। तो कृषि की कुछ संरचनात्मक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है जो मूलभूत समस्याएं होती है जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है, कि उसके अंदर लोग कौन से काम करते हैं, टेक्निक्स कौन सी यूज होती है, उसके कानून क्या हैं, उसके दायरे क्या हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी टेकल बाय लॉज बट स्ट्रक्चरल इश्यूज नीड लोकल स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो आप वेस्टेड इंटरेस्ट को ही आप टेकल कर सकते हैं, नए लॉज, स्ट्रक्चरल इश्यूज के लिए तो आपको पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन लाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लाने पड़ेंगे और पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी। सेंटर स्टेट कंसेंसस एंड कोऑर्डिनेशन इज अ मस्ट टू गेट रिजल्ट्स। तो सेंटर स्टेट का आपस में जो है सहमति होना जरूरी है, उसके बिना जो है कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स रियलिटी है हमारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की, कि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ पाते। मेन प्रॉब्लम क्या है, इट इज सेड दैट फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल ओनली टू लाइसेंस्ड एपीएमसी ट्रेडर्स, बट ट्रूथ इज दैट मोस्ट फार्मर्स सेल टू लोकल अनलाइसेंस्ड ट्रेडर्स। अभी तक तो यही था कि आप केवल लाइसेंस एपीएमसी ट्रेडर्स को ही सेल करेंगे। ये लाइसेंस कौन देता था, मंडीज देती थी, और आपने मंडी बोर्ड के चुनाव देखे होंगे, मंडियों के चुनाव होते हैं, मंडी अध्यक्ष बनते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, मंडी अधिकारी होते हैं। मंडी एक बकायदा, खास करके मध्य प्रदेश में यदि आपने देखा हो तो एपीएमसी मंडीज का बहुत बड़ा जाल है। तहसील लेवल तक जो है ये एपीएमसी सब सेंटर्स और सेंटर्स बने हुए हैं, और यहाँ जो ट्रेडर्स हैं वो लाइसेंस्ड हैं। तो यहाँ ये समस्या बोल रहे हैं कि एक तो कमी है, किस चीज की कमी है ये, बट ट्रूथ इज द मोस्ट फार्मर्स सेल टू लोकल अनलाइसेंस ट्रेडर्स एंड लोकल अनरेगुलेटेड मार्केट्स।
तो क्या कमी है? एक तो इनफ मंडीज नहीं है पूरे देश में, आप देखेंगे तो मंडियों की कमी है। कई जगह पर मंडी 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो छोटा किसान है वो इतनी दूरी तक अपना अनाज नहीं ले जा सकता, अपनी उपज को नहीं ले जा सकता। दूसरी कमी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट क्रिएटेड फॉर प्राइमरी होलसेल मार्केट क्लोज टू फार्मर्स। तो इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्राइमरी होलसेल मार्केट का। 2017 रिपोर्ट सजेस्टेड एडिशनल 3,500 मंडीज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग 6676 वंस। तो अब ये आपकी प्रिंसिपल और सब प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स जो मंडी है, यानी कि मुख्य मंडियां और फिर उप मंडियां उसकी जो है एक तरह से, ये कितनी एडिशनल चाहिए उसमें 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 3,500 है, जबकि अभी है 6,676। 23,000 रूरल हार्ट्स ऑल्सो आर नॉट अपग्रेडेड। 23,000 रूरल हार्ट्स हैं जहां लोग जाकर के अपनी उपज बेच सकते हैं और वहां पर अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं, लेकिन ये अपग्रेडेड नहीं है। सो एक्शन प्लान नाउ, न्यू एलोकेशंस मस्ट गो टुवर्ड्स बिल्डिंग अप प्रॉपर फिजिकल मार्केट्स स्पेशली इन रिमोट रीजन, खास करके दूर दराज के एरिया में। जब दरअसल जितना भी एलोकेशन आप नया करें, कम से कम उसको प्रॉपर फिजिकल मार्केट जो है वो बनाने की कोशिश करें। मोनोपोलाइजर मंडीज, वेयर एपीएमसी मंडीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड, दे स्ट्राइव टू किल कॉम्पिटिशन बाय डिलेइंग न्यू लाइसेंसेस। नए लाइसेंस जब आप नहीं देंगे तो एक तरह का कॉम्पिटिशन खत्म होता है, और फिर वो जो व्यापारी हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं को बेचना पड़ता है। तो जब कंपटीशन नहीं होता और उन्हीं को बेचना पड़ता है तो फिर वो मनमाने दाम पे खरीदते हैं, अपने मर्जी के दाम पे खरीदते हैं, किसानों को उतना उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ना। टू एनी वन एमएनसीज एपीओ ट्रेडर प्रोसेसर, इनको जो है इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं मिल रहा, तो ये दिक्कत आ रही है। सो मोनोपोली है एक तरह से। स्टेट्स हैव टू रिजॉल्व दिस यूजिंग रेगुलेटरी मेथड्स, ठीक है। तो स्टेट्स इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता है? रेगुलेटरी मेथड्स को यूज करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए इस चीज को, लेकिन अभी तक राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। सो टोटल डीरेगुलेशन नॉट गुड। बिहार रिप्लेस द एपीएमसी एक्ट इन 2006, वहां टोटल डीरेगुलेशन हो गया तो उसका कितना नुकसान हुआ, बट लार्ज कॉर्पोरेट्स डिडंट स्टार्ट बाइंग फ्रॉम फार्मर्स। अब आपने एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने तो किसानों से नहीं खरीदना शुरू नहीं किया। दे वेंट टू लार्ज ट्रेडर्स एंड एग्रीगेटर्स ओनली, इसलिए लोग कहां गए, लार्ज बड़े व्यापारियों के पास और जो इकट्ठा करते हैं उनके पास चले गए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर केप्ट क्रम्बलिंग, प्राइवेट मार्केट्स फॉर हॉर्टिकल्चर केम अप रन बाय लोकल ट्रेडर्स। तो वहां पर बिहार एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने एपीएमसी एक्ट खत्म किया तो उसका नुकसान जो है इस रूप में हुआ कि प्राइवेट मार्केट वही बिचौलिए फिर से इंटरमीडियरीज उन्हीं का हो गया। सो रिफॉर्म नॉट रिपील, एमपी एंड कर्नाटका रिफॉर्म्ड नॉट रिपील्ड, उन्होंने खत्म नहीं किया एपीएमसी लॉ को, जैसे बिहार ने लगभग खत्म कर दिया, रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन एमपी और कर्नाटका ने क्या किया, रिफॉर्म किया। सो कॉम्पिटिशन स्टार्टेड हैपनिंग, तो यहाँ एक तरह की प्रतियोगिता शुरू हुई और एमपी गेव लाइसेंस टू आईटीसी कंपनी टू स्टार्ट प्रोक्योरमेंट हब्स आउटसाइड मंडीज। ई चौपाल आपने सुना होगा, प्रश्न आया था यूपीएससी में, ई चौपाल कौन चलाता है? ई चौपाल आईटीसी कंपनी चलाती है, और मध्य प्रदेश में आईटीसी ने ई चौपाल चलाए जो खरीदारी करते थे मंडीज के बाहर। सो फार्मर्स गॉट ए बेटर डील एंड मंडीज अपग्रेडेड सून। तो एक तो एक कंपटीशन होने से मंडीज ने भी अपने अंदर सुधार करना शुरू किया और फार्मर्स को भी अच्छी डील मिली।
बट सिंस आईटीसी वॉज नॉट ए परमानेंट ऑल कमोडिटीज बायर, अब देखिए आईटीसी तो एक कंपनी है और कंपनी जब ई चौपाल चलाएगी तो वो विदेशों में जो निर्यात करना चाहती है या हमारे यहाँ के उद्योगों को सप्लाई करना चाहती है, मान लीजिए वो सोयाबीन के तेल की कंपनी के साथ उसने टाइप किया हुआ है आईटीसी ने, तो केवल सोयाबीन खरीदेगा, आईटीसी उसी कमोडिटीज में जाएगा जहां उसको कुछ फायदा है, तो सारी कमोडिटीज के लिए नहीं होता। द मंडीज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एट 12 मंथ मल्टी बार मल्टी कमोडिटी मार्केट वाज विजिबल। तो दरअसल क्या है, मंडी जो थी वो तो सभी के लिए है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ये है कि मंडीज 12 महीने बहुत सारे बायर हैं उसके पास और मल्टी कमोडिटी मार्केट है, मंडीज में लगभग सभी कमोडिटीज का व्यापार होता है, खरीदा बेचा जाता है और बायर्स भी बहुत ज्यादा है और 12 महीने खुली रहती हैं। आईटीसी कभी कभी अपनी चौपाल लगाएगा सिलेक्टिव कमोडिटीज के लिए लगाएगा और बायर भी सिंपल, तो ये दरअसल पक्का अल्टरनेट नहीं हो सकता मंडीज का, एपीएमसी का पक्का अल्टरनेट लाने के लिए आपको कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा, मंडीज बढ़ानी पड़ेंगी, बायर्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपको लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा देने पड़ेंगे एमएनसी को, एफपीओ को, ट्रेडर को, प्रोसेसर को, इनको सबको। प्रोसेसर को कहा, जैसे दाल मिल वाले को दाल दे दिया, ऑयल मिल वाले को जो ऑयल सीड्स की बिक्री कर दी, तो प्रोसेसर भी सीधे सीधे आकर के वहां पर भाग लेते हैं। सो व्हाट अबाउट इंटरमीडिएशन, अभी इंटरमीडिएशन जो ब्रोकर दलाली जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, जिसको दलाल शब्द कई बार नेगेटिव भी लिया जाता है लेकिन दलाल कई बार फैसिलिटेट भी करता है, आप किसी नए शहर में जाते हैं मकान ढूंढना है कुछ खरीदना है तो आप दलाल के पास ही जाते हैं, नहीं तो आप कहाँ उसको ढूंढने जाएंगे। तो किसान को भी अगर अपनी उपज बेचनी है और कोई खरीदार नहीं मिल रहा है तो वो दलाल ढूंढेगा, दलाल अपना एक हिस्सा लेता है और उसकी फसल बिकवा देता है तो उसकी जो उपज होती है वो बिक जाती है। सो ब्रोकर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स आर कंसिडर्ड एविल, उनको बहुत निगेटिव माना जाता है, एविल माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, बट दे एक्चुअली हेल्प फार्मर्स मैनेज देयर नीड्स बाय रेस्पॉन्डिंग इन कैश। अब जब कैश की जरूरत पड़ती है कई बार वो लोग उधार भी दे देते हैं, छोटा मोटा कर्जा भी दे देते हैं, तो एक बैंक की तरह भी काम करते हैं, कैश क्रेडिट टाइम एंड प्लेस। कई बार उनको जगह देते हैं कि आप हमारे गोडाउन में ला के रख दीजिए, रात में आ गए तो आप रात में ही वो ले लेता है उससे, है ना, दिन में आ गए तो छुट्टी वाले दिन आ गए किसान पहुंच गए तो भी वो दलाल मदद कर देता है, जगह उपलब्ध करा देता है, समय दे देता है, क्रेडिट दे देता है और कैश दे देता है। द फोर डोमेन्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन नीड्स देयर प्रेजेंस। तो चार डोमेन जो है वो अंततः किसान की जो उपज होती है उसका होता है, प्रोडक्शन मार्केटिंग प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन, तो सब जगह पर जो है उसकी जरूरत पड़े। दे ऑल्सो एक्सप्लॉइट फार्मर्स, वो तो होता ही है कि वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बीच में, बट देयर रिप्लेसमेंट बाय अ न्यू सिस्टम विल वर्क ओनली इफ दे रेस्पॉन्ड टू ग्राउंड नीड्स फॉर क्रेडिट इनपुट्स स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड टाइमली पेमेंट्स। तो अब आप नया जो सिस्टम जो भी लेके आएंगे उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो दलाल से भी खराब हो, उसमें ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, ज्यादा करप्शन हो। तो ये ब्रोकर्स और स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं और ये किसानों को एक तरह से मदद करते हैं, बट आप जो नया सिस्टम लेके आएंगे, और अगर आता है नया सिस्टम, आना चाहिए, सुधार हो सकता है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में आएंगे, खास करके प्रोड्यूस को सेल करने के मामले। फ्रीडम विल बी मीनिंगलेस, एनी न्यू रेगुलेटरी चेंज दैट ग्रांट्स मोर फ्रीडम टू फार्मर्स विल बी यूजफुल ओनली व्हेन फार्मर्स ओवरकम देयर ऑन लैंड ऑनरशिप एंड एक्सेस इश्यूज। तो दरअसल क्या है कि आप रेगुलेटरी चेंज नया वाला जो कुछ भी लेके आए, आप ग्रांट्स दें और जितना भी फ्रीडम दें, ये तभी संभव, तभी ठीक रहेगा किसानों के लिए जब उसकी खुद की जमीन पर उसका मालिकाना हक हो और उससे रिलेटेड उसके वो जो मुद्दे हैं उनको वो एक्सेस कर सके। एंड एलिमिनेटिंग ऑल स्मॉल ट्रेडर्स इज अ डेंजरस आइडिया फॉर दे डू प्ले ए बिग रोल, क्योंकि वे तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ना, तो इंटरमीडिएट्स हैं, दलाल हैं,
तो आप अगर मंडी में से दलालों को बिचौलियों को बाहर करेंगे तो हो सकता है कि उससे भी बुरी जो है व्यवस्था वहां पर आए, क्योंकि अभी ठीक है तो उसके कुछ नुकसान है, एक्सप्लोइटेशन है वो देखने को मिलता है, लेकिन हम तभी उसको रिप्लेस कर सकते हैं जब हम उससे भी बेटर प्लान करते हैं। द राइट रिफॉर्म लीगल चेंजेस मस्ट नॉट एंड अप क्रिएटिंग लार्ज कंपनीज। तो आप बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके केवल उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। एंड क्रिएटिंग बैरियर्स फॉर एग्रो कमर्शियल एमएसएमईज। तो हम लोगों को एग्रो कमर्शियल एमएसएमईज के जो आड़े आने वाली चीजें हैं उनको देखना पड़ेगा, और द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, एजेंट्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एंड लेबरर्स नीड टू बी एकोमोडेटेड एंड डाइवर्सिटी रिटेन्ड। तो देखिए, बहुत लोगों के परिवारों का रोजगार इस पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग किसानों की इस प्रोड्यूस को सेल करवाने में मदद करते हैं, और संगठित रूप से जुड़े रहते हैं, इसलिए इन सब के रोजगार के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं और क्या हो सकता है। तो ये कुछ हेडलाइंस थी जो आप देख सकते हैं। ये कांग्रेस ने किसान न्याय स्कीम जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तरह से न्याय योजना शुरू कर दी है किसानों के लिए। तो राहुल गांधी चुनाव के पहले बोल रहा था, अब कांग्रेस शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले इसको शुरू किया। एक ही अच्छा आर्टिकल है रक्षिता स्वामी का, ए मोमेंट टू रिवाइव मनरेगा। मनरेगा भी खूब चर्चा में है, और मनरेगा के ऊपर एक आध प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि सरकार ने शुरू में मनरेगा की खूब हंसी उड़ाई और अभी मनरेगा की शरण में है। मनरेगा ही काम आएगा, क्योंकि सब लोग जो माइग्रेंट लेबर्स घर गए हैं, अब मनरेगा पर कम से कम 2 करोड़ से 4 करोड़ लोगों का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार खत्म हो गया है लोगों का और सब लोग लौट करके घर गए हैं, तो मनरेगा में काम मांगने जाएंगे। और इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, इसलिए आर्टिकल आया है। तो इसको फिर से आपको रिवाइज करना चाहिए, और रिवाइव तो किया है और करने की जरूरत है। तो एडिशनल एलोकेशन मस्ट बी सप्लीमेंटेड विथ स्टेप्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव। इसको ज्यादा प्रभावी बनाएगा ये एलोकेशन, जो एडिशनल एलोकेशन है, डेफिनेटली। चलिए इसको पढ़ते हैं। द टाइम टू रिन्यू मनरेगा हैज अराइव्ड। वो समय आ गया है कि अब मनरेगा को रिवाइव किया जाए, रिन्यू किया जाए, एंड मास रिवर्स माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स हैज नाउ हैपेंड इन टू विलेजेस। अब गांव में जो है बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स चले गए हैं, मजदूर चले गए हैं। बैडली हिट द 40 करोड़ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया वॉज द वर्स्ट हिट इन द पेंडेमिक लॉकडाउन। 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कितने लोग, 40 करोड़, 40 करोड़ लोग।
को बड़ा झटका लगा है. मेनी हैव हिप कम फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज एडेड रुपीज 40,000 करोड़ ऑफ एक्स्ट्रा फंडिंग टू मनरेगा. तो 40 करोड़ एक्स्ट्रा फंडिंग क्यों किया? क्योंकि एंटीसिपेटिंग रिवर्स माइग्रेशन टू विलेजेस. रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है. पहले माइग्रेशन किधर होता था? विलेज टू सिटीज. लेकिन अब क्या हो गया? अब वापस सिटीज टू विलेज जा रहे हैं लोग. सो मनरेगा गिव्स एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एनीवन विद इन 15 डेज ऑफ डिमांडिंग वर्क. जब वो काम मांगने जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर 100 दिन का रोजगार अवेलेबल कराना होता है मनरेगा के तहत. काम मांगने जाता है उसके 15 दिन के अंदर 100 दिन का रोजगार अवेलेबल कराना होता है, तो उसको पैसा मिलना शुरू हो जाता है. तो आदमी भूखों नहीं मरता. राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अधिकार, आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, मनरेगा. और ये एक्ट है महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. स्कीम नहीं है मनरेगा, कोई स्कीम नहीं है मनरेगा. क्या है? एक्ट है. और एक्ट जब बन जाता है तो क्या होता है? आपको बताया था, एक्ट बन जाता है तो उसके बाद सजा मिलती है, पनिशमेंट होता है. अगर किसी ने 15 दिन के अंदर उसको 100 दिन का रोजगार अवेलेबल नहीं कराया तो उसको सजा होगी, जेल होगी. तो जेल की व्यवस्था है, जुर्माने की व्यवस्था है. सो फंडिंग पैटर्न सिंस 2012, क्या बोल रहे हैं, 2012 तक जो है क्या रहा, क्या रहा तब से? एनुअली एन एवरेज ऑफ 18% ऑफ एनुअल बजट हैज बीन यूज्ड टू क्लियर पेंडिंग लाइबिलिटीज. तो ये तो बहुत बुरी हालत है. 2012 से हम देख रहे हैं कि जो पेंडिंग लाइबिलिटीज है ऑलरेडी अर्लियर ईयर्स की, वो 18% एनुअल बजट तो उसमें ही यूज हो जाता है पहले की लाइबिलिटीज, यानी पहले से जो पेंडिंग है उसी में. नई सैलरी देने में नहीं जाता, तो बजट का 18% तो उसमें चला जाता है. एंड 2021 बिगेन विद पेंडिंग लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 16,045 करोड़ वेज एंड मटेरियल. तो वेजेस और मटेरियल के 16,045 करोड़ रुपया तो आपको पहले से देना है, यानी कि पेंडिंग पड़ा हुआ है. तो अभी आपको वो चुकाना पड़ेगा. तो आपने 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है ना, तो 40,000 करोड़ में से 16,045 करोड़ तो जो आपने चुकाया नहीं है लगभग, तो 2020-21 में वहां चला जाना है. सो रुपीज 1,00,000 करोड़ फॉर 2021 मींस दैट रुपीज 84,000 करोड़ इज अवेलेबल फॉर जॉब क्रिएशन. तो जो 1,00,000 करोड़ है खास करके, उसमें से 84,000 करोड़ ही जॉब क्रिएशन में जाएगा. दैट इज 0.4% ऑफ जीडीपी. ये टोटल जीडीपी का हमारा 0.47% है. While the World Bank had recommended 1.7% for optimal functioning, World Bank बताता है ये भी आपको मनरेगा पूरी तरह से उसके रिजल्ट लेने हैं मनरेगा के, तो जीडीपी का 1.7% होना चाहिए. यहाँ जीडीपी का कितना है? जीडीपी का 0.47%. तो आप मनरेगा के आंकड़े देख रहे हैं कि नहीं? तो मनरेगा के आंकड़े नोट करते जाइए, ये आपको काम आएंगे. मनरेगा पे जब भी लिखने को आएगा इस साल, मनरेगा में जो एडिशनल बजट हुआ या मनरेगा को रिवाइज करने से रिलेटेड, या मनरेगा कहाँ तक ग्रामीण रोजगार में सहायक है, या भारत में इकोनॉमी की कमर टूट गई है तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत में इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बना सकती है, बहुत सारी चीजें. अभी तो सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं कि हमारी कमर टूटी है. इतनी बुरी स्थिति है, वो चाइना के साथ फाइट में भी पता नहीं कहाँ क्या कैलकुलेशन बिठा रहे हैं. चाइना का और हमारा जीडीपी जब बराबर था तब हम हार गए थे, अब उसका जीडीपी हमसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा है, और क्या हम लोग पकड़ पाएंगे? अब हम लोग $5 trillion की इकोनॉमी का 2025 तक सपना संजोए थे, अब 2030 तक सवाल नहीं उठता, 5 ट्रिलियन पहुंचना ही नहीं है.
और जब हम 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे तो वो 14 ट्रिलियन पे थोड़ी बैठा रहेगा चाइना, चाइना ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा, हमारा तो माइनस होने वाला है, हम तो -30% जाने वाला है, हम तो माइनस में जाने वाले हैं ना इस बार, चाइना 0 हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा, तो भी 14 ट्रिलियन पे तो है ही वो, और 14 से 18 पहुंच जाएगा ना, तब कहीं जाकर के हम 5 पे पहुंचेंगे, तब भी पहुंच जाए तो अच्छी बात है। बात तो हम लोग मानते नहीं ना किसी के, एक्सपर्ट्स की बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है, बस अपनी मर्जी की करते रहते हैं, तो यही नतीजे आते हैं। खैर, तो गिवन द स्केल ऑफ रिवर्स माइग्रेशन, डिमांड फॉर वर्क विल शूट अप सून इन विलेजेस। अब आप देखना कितनी जल्दी जो है लोग मांगने जाएंगे काम, और उनको देना पड़ेगा क्योंकि उनके पास तो जॉब कार्ड भी है, मनरेगा का फायदा तो उठाएंगे ना, गांव में रह करके और क्या करेंगे। स्टेप टू री इनविगोरेट मनरेगा, क्या करना चाहते हैं, इनफ फंड्स आर नाउ अवेलेबल टू मेक इट वर्क एंड सम स्टेप्स विल हेल्प। तो ये 5 कदम उठाए जाना चाहिए, कभी आपसे जब राय मांगेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए मनरेगा को सशक्त बनाने के लिए या ग्रामीण मजदूरों को मजबूती देने के लिए, तो ये बता दीजिएगा। कौन कौन से बता देंगे, स्टेट्स मस्ट ओपन पब्लिक वर्क्स इन ऑल विलेजेस, गिव वर्क इंस्टेंटली ऑन डिमांड। आपको टाइम नहीं बताना है कि 20 दिन बाद काम देंगे, 1 महीने बाद देंगे, नहीं, इंस्टेंटली आपको काम देना है और पब्लिक वर्क्स को स्टार्ट कर देना है, ओपन कर देना है सीधा। सभी गांवों में पब्लिक वर्क्स जो है, जो लोक निर्माण के काम है, तालाब सड़क से लेकर के तमाम प्रकार के जो काम आप करवाते हो मनरेगा में, उनको तत्काल शुरू कर देना और तत्काल जॉब देना है, डिमांड के साथ ही जॉब देना, एक चीज। दूसरी, लोकल बॉडीज पंचायत मस्ट रीच आउट टू रिटर्न माइग्रेशन एंड क्वारंटीन वर्म्स, उनको क्वारंटीन करना है एंड गिव देम जॉब कार्ड, उसके बाद उनको जॉब कार्ड अवेलेबल कराना है। वर्क साइट मस्ट हैव सोप वाटर मास्क फॉर ऑल, सभी के लिए वाटर पानी साबुन और मास्क की व्यवस्था करनी चाहिए फ्री ऑफ चार्ज, तो ये पंचायतों को करना चाहिए। टूल्स मस्ट नॉट बी शेयर्ड, जो काम करेंगे वे जो औजार हैं वे शेयर नहीं करना है, सबके अपने अपने अलग अलग औजार होने चाहिए। सो प्रोवाइड टूल अलाउंस, आपको टूल अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोरोना फैल जाएगा, उन्हीं औजारों को सब हाथ लगाएंगे तो। डिसेंट्रलाइज मनरेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्पावर ग्राम पंचायत टू टेक चार्ज फुल्ली, ये लो। अब मनरेगा का भी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी ग्राम पंचायत को जो है पूरे अधिकार देने पड़ेंगे, आपको फुल चार्ज देना पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर वो पूछने जाएगा बार बार पंचायत वाला ऊपर तक, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सो वेज पेमेंट्स मस्ट बी ऑथोराइज्ड एट एट लेवल, एक और चीज है कि जो वेज पेमेंट है वो ऑथोराइज कर देना चाहिए पंचायत को और वहीं पर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऊपर से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और वो सब रखा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। सो बैंक ब्रांच डेस्टिनी इन रिमोट रीजन इज स्टिल वेरी लो, अभी भी जो है आप देखेंगे कि जो बैंक की ब्रांचेज है वो तो वहां नहीं है रिमोट एरिया में, तो क्या होता है फिर वो क्या करते हैं, हैंस कैश वेज पेमेंट, इसलिए आपको कैश वेज पेमेंट देना चाहिए। विदाउट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल नीड टू बी डन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे आप नहीं जाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बायोमेट्रिक में तो क्या होता है कि वो मशीनें चलती नहीं है, नेटवर्क मिलता नहीं है, इंटरनेट चलता नहीं है, तो जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं होता बार बार ऑथेंटिकेशन लेते हैं आधार के साथ में इसके साथ में, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपको कैश वेज पेमेंट देना चाहिए और वो अभी की जरूरत है क्योंकि उनको कैश में चाहिए, बैंक से निकालने के लिए वो भी नहीं जा सकते क्योंकि ब्रांचेज नहीं है बैंक की गांव में, रिमोट एरिया में नहीं है। सो गिव फ्लेक्सिबिलिटी इन द काइंड ऑफ वर्क्स टू बी टेकन अप, और काइंड ऑफ वर्क्स में भी जो प्रकार है काम के अलग अलग, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगी। लैंडलेस लेबरर्स शुड नॉट बी क्राउडेड आउट एंड कम्युनिटी वर्क्स मस्ट गो ऑन, ठीक है। तो
वो जो है लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको आप लोग जानते ही हो कि वो जो भूमिहीन किसान जो होते हैं या भूमिहीन मजदूर जो होते हैं, है ना, तो वो उनको भी सहायता मिलनी चाहिए एंड कम्युनिटी वर्क्स मस्ट गो ऑन। ये मतलब कुल मिलाकर के आपको सारी चीजें, किसी चीज का इंतजार नहीं करना है आपको, आपको काम शुरू कर देना है। और सामुदायिक कार्यक्रम जितने भी हैं, सामुदायिक काम जितने भी हैं, जो पब्लिक वर्क्स वाले काम हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, करप्शन, अभी करप्शन के बारे में नहीं सोच सकते ज्यादा। करप्शन तो हो ही सकता है कैश वाले में, लेकिन अभी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो जिंदा रहने की समस्या है। मुझे लगता है कि किसी को अपने बच्चे के लिए खाना ले जाना है और उसके लिए उसको 300-400 रुपया पेमेंट देना है 2 दिन का मान लिया जाए, और अगर मनरेगा वाला पैसा खा गया उसका तो वो उसकी जान ले लेगा, क्योंकि अभी उसके बच्चों का सवाल है। वैसे भी हो रहा है, उसमें भी आपने देखा ही है कि सभी का जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, वो आदमी अपने पास रख लेता है, ठेकेदार रख लेता है, कई बार सरपंच रख लेता है, आपने देखा ना ये वाला मामला। तो हमको लगता है कैश ट्रांसफर डायरेक्ट हो रहा है तो एटीएम से निकाल लाएगा पैसा, आदमी एटीएम तक वो पहुंचे नहीं है, उसके एटीएम वहां गांव में एटीएम नहीं है, तो एटीएम के लिए आपको बड़े कस्बों में और शहरों में जाना पड़ता है, तो सबका एटीएम कार्ड भी वही रखता है, तो वो इतना आसान नहीं है। और आज के समय में जब मोबाइल हैं और इतनी सारी चीजें हैं, तो गांव के कुछ जागरूक लोगों को मदद करनी चाहिए। बाकी अभी कैश की जरूरत ज्यादा है, अभी तत्काल पैसा मिलेगा तो वो आदमी खाना खरीद सकेगा। फ्यू बैड ईयर्स, पास्ट फ्यू ईयर्स वर बैड फॉर मनरेगा एज फाइनेंशियल एलोकेशन वर स्टेग्नेंट। रोक दिए थे ना फाइनेंशियल एलोकेशन, सरकार ने दिए नहीं थे, एंड सप्लाई डिटरमाइन डिमांड, है ना, तो सप्लाई किस पे निर्धारण होता है, डिमांड, एंड वेजेस वर डिलेड एंड ग्राम पंचायत लॉस्ट ऑटोनोमी। ठीक है, तो पंचायतों को उतनी ऑटोनोमी थी भी नहीं, सो स्टेट्स बिगन रनिंग ओनली दोज प्रोग्राम्स वर फंड्स वर क्लियरली अवेलेबल, वेयर फंड्स वर क्लियरली अवेलेबल। तो ये सारे के सारे चीजें, प्रोग्राम तभी चल पाते हैं, स्कीम और खास करके इस तरह के कार्यक्रम मनरेगा जैसे तभी चल पाते हैं कि फंड्स अवेलेबल हो, और वही नहीं थे तो उसी से सारी समस्या। लेकिन अब क्या है, दुनिया बदल रही है, चेंज्ड वर्ल्ड, अब सिनेरियो पूरा नया है। नाउ इन 2020 मोर देन 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स आर बैक इन द विलेजेस। कितने, 8 करोड़ लोग वापस गांव में जा चुके हैं। एंड स्टेट्स विल नीड टू अर्जेंटली रिवाइव मनरेगा, डू नॉट मिस दिस मोमेंट। तो स्टेट्स को अभी एकदम से इसमें कूदना पड़ेगा और इसको चलाना पड़ेगा। चलिए, ये मनरेगा के ऊपर एक अच्छा जानकारी थी जो आपको काम आएगी, एग्जाम के हिसाब से सीधा आंसर है ये। अब ये 20 लाख करोड़ की बात तो बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। अब ये एनके सिंह कमेटी और थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब एनके सिंह जो है वो जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आनी थी 2019 में, जो 2020 से लेकर 25 तक के लिए काम करता, लेकिन उसने इंटरिम रिपोर्ट दी है 1 साल के लिए, और अभी वो रिपोर्ट बनाने में मग्न है। दरअसल अभी एक इंटरिम रिपोर्ट और देनी चाहिए उनको, और 2021 में जब सब कुछ सेटल हो जाए और कोविड चला जाए, तब नए सिरे से 5 साल का फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट दे। अब एनके सिंह जो है, ये 1 साल की इंटरिम रिपोर्ट दे के बैठे हैं और 5 साल की तैयारी कर रहे हैं, तो 5 साल की तैयारी इनको अभी नहीं करना चाहिए, 2021 में इनको देना चाहिए, अभी 2020 में नहीं, 2021 में भी सारी चीजें देखने के बाद, क्योंकि सब कुछ सिनेरियो बदल जाएगा, सब कुछ, दुनिया बदलने वाली है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। नीडेड है होलिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ,
ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी काम क्या है, होलिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग लॉ। चलिए हम अगले वाले में चलते हैं। राजीव कुमार, ये सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ पैकेज दिया है, स्टिमुलस पैकेज, ये एक बहुत बड़ा दरअसल रिमार्केबल जो है एक हेल्प है। सो गवर्नमेंट्स पैकेज रीचेज आउट टू मोस्ट वल्नरेबल, इट ऑल्सो सीजेस क्राइसिस टू ब्रिंग इन स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट विल प्रमोट इंडिया पोस्ट कोविड रिकवरी एंड ग्रोथ। तो राजीव कुमार यहां तारीफ कर रहे हैं सरकार के प्रयासों की। राजीव कुमार कौन है, सब लोग जानते हैं ना, राजीव कुमार है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बराबर जो पद होता था वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष हो गया। तो ये राजीव कुमार है। तो क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, अब ये सरकार का पक्ष रखेंगे और ये एक तरह से सरकार के प्रवक्ता के रूप में बात करेंगे, इसलिए आपको दोनों पक्ष सुनने चाहिए। अभी हम आलोचना तो खूब सुनते रहते हैं, थोड़ा फेवर भी सुन लीजिए सरकार का। सरकार ये कह रही है कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया है और सब कुछ बढ़िया है। तो कैसे बढ़िया है राजीव कुमार बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, कोविड रिलीफ पैकेज बाय गवर्नमेंट इज डिजाइन टू बूस्ट नॉट ओनली शॉर्ट टर्म डिमांड इन द इकोनॉमी बट ऑल्सो बिल्ड कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो ये कोविड रिलीफ पैकेज जो है ये केवल शॉर्ट टर्म सपोर्ट नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी है और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाता है। तो ट्विन मंत्र क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू मिनिमाइज द ह्यूमन कॉस्ट ड्यू टू द पेंडेमिक। अब ये तो आप कितने सहमत हो सकते हैं, जितने मजदूरों को आप पैदल चलते हुए देख रहे हैं और जितनी परेशानियां देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने वो सब कुछ किया है जो पेंडेमिक में मानवीय कीमत अदा न करना पड़े उसके लिए पूरा सब कुछ किया है जिससे इंसानियत शर्मसार न हो? तो क्या इंसानियत शर्मसार हुई या नहीं हुई? गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं वो काफी अच्छे थे, तो ये तो शाबाशी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। वाइल ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस क्राइसिस इनटू ए अपॉर्चुनिटी, तो हमने इस संकट को अवसर में बदल दिया है। तो मोदी जी की लैंग्वेज लगेगी, इनकी मजबूरी भी है इनकी, क्योंकि ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो कैसे, तो ये बता रहे हैं कि थ्रू बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड विल बिल्ड द ओवरऑल सप्लाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो हम इकोनॉमी को योग्य बनाने के लिए ओवरऑल सप्लाई रिस्पॉन्स पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए अभी ये डिमांड की बात वो करते हैं अभिजीत बनर्जी और राहुल गांधी जब भी बैठते हैं, या राहुल गांधी जब भी आता है तो वो डिमांड साइड की बात करता है कि आप डिमांड बढ़ाइए, डिमांड, और डिमांड के लिए लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, न्याय स्कीम कैश दीजिए, लोगों को मोनेटाइज कर दीजिए, मुद्रा छाप दीजिए, आप नोट छाप दीजिए और लोगों को बांट दीजिए कि ये लो। लोग यहां तक कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि अगर आपने इन मजदूरों को 10-10 हजार रुपए इनके खाते में डाल दिया होता 3 महीने के लिए, तो ये पलायन भी नहीं करते हैं, और जब आप इंडस्ट्री चालू करते हैं तो मजदूर भी वहां अवेलेबल होते हैं, और इतना कोरोना भी नहीं फैलता, क्योंकि इनके गांव गांव में जाने की वजह से कोरोना भी फैला, शहरों से गांव में कोरोना पहुंच गया। तो ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, क्या अभी भी 1.5 लाख हमारे यहाँ पेशेंट हो गए, क्या अब हम अभी भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं मानेंगे? तो मानना पड़ेगा ना भाई, क्या अभी भी नहीं मानोगे? हाँ, तो ये कहना चाह रहे थे, ये तो राजीव कुमार तो सरकार का पक्ष, लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अगर आपने 10-10 हजार रुपया 3 महीने तक डाल दिया होता, यानी 30 हजार रुपया एक मजदूर को दे दिया होता, 72 हजार की बात भी नहीं कर रहे हैं, 3 महीने के लिए भी दे दिया गया होता तो भागता नहीं, क्योंकि वो भूखों मर रहा था इसलिए गया ना। तो अगर आप 10-10 हजार रुपया दे देते तो कोई समस्या ही नहीं होती, आपने दिया नहीं, और जब आपने पिटारा खोला तब अब भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, दिक्कत ज्यादा होगी।
So a dangerous crisis. It is known that this crisis is worse than the Asian financial crisis late 1990s. तो जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1990 के बाद में, खास करके जो आसियान कंट्रीज के अंदर, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-09 में, उससे भी वर्स्ट बता रहे हैं. इट हैज हिट बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये सप्लाई साइड को भी डिस्टर्ब किया इसने और डिमांड साइड को भी. एंड गवर्नमेंट हैज हिट इट विद अ फोर प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी. ये लो, ये बोल रहे हैं कि कोरोना ने हमको दो साइड पे हिट किया, तो हमने कोरोना को चार जगह पे हिट किया. ये लो इस क्राइसिस, इंडियन इकोनॉमी बड़ा खतरनाक सरकार का पक्ष रखा है भाई. तो चलो, द फोर प्रॉन्ग्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान से कौन से चार क्षेत्रों पे इन्होंने हिट किया, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं. गवर्नमेंट अप्रोच इन आत्मनिर्भर भारत अभियान, पहला, टू एंश्योर दैट फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर्स इनकम्स आर नॉट हर्ट, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर एसेंशियल सर्विसेज एज एसेंशियल सर्विसेज. यानी कोविड के टाइम हमने एग्रीकल्चर को एसेंशियल सर्विसेज में मान लिया. सो प्रॉपर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप हैपेंड, और रबी क्रॉप को जो हार्वेस्ट करने के लिए जा रहे थे उनको पासेस मिल गए, और खेत पे जाना और वहां पर फसल निकालना, और उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं हुई. तो एक तो हमने उसको एसेंशियल सर्विस में ले लिया था एग्रीकल्चर को. गवर्नमेंट इज पंपिंग रुपीज 78,000 crore एज न्यू परचेसिंग पावर फॉर फार्मर्स. तो हमने 78,000 crore जो है फार्मर्स को दिए, तो देखा जाए तो उनकी परचेसिंग पावर बड़ी है फार्मर्स की. तो एक तो रबी क्रॉप को एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर करना, ये पहला अचीवमेंट मान रहे हैं. दूसरा, टू प्रिवेंट न्यू इंसॉल्वेंसीज एंड बैंकरप्सीज ड्यू टू कैश क्रंच, ए मॉरेटोरियम ऑन लोन रिपेमेंट वॉज अनाउंस्ड. एक हमने देखा बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड आया हुआ है, तो बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो जाएं या इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर एनपीए की मात्रा बढ़ जाए. तो हमने लोन रिपेमेंट को मॉरेटोरियम दे दिया 3 महीने का और बढ़ गया 6 महीना हो गया. एंड देन ए न्यू पैकेज ऑफ रुपीज 3 trillion फॉर MSMEs. और ये 3 trillion की बात कभी से चल रही है, आपसे अपनी क्लास में ही हम लोग करीब 4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं 3 trillion पे, और MSMEs को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है. तो 3 trillion का सपोर्ट जो है वो MSMEs को मिला, ये अनाउंस हुआ. मेनी MSME इन हॉस्पिटैलिटी रिटेल एंड एंटरटेनमेंट कैन टेक न्यू क्रेडिट. तो अब बहुत सारी जो MSMEs जो हॉस्पिटैलिटी में लगी हुई थी और रिटेल में थी, एंटरटेनमेंट में थी, उन सबको नया क्रेडिट मिल पाएगा. स्टेट डिस्कॉम वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्स थ्रू द रुपीज 90,000 crore क्रेडिट पैकेज. अब ये जो स्टेट डिस्कॉम्स, वही कौन थे स्टेट डिस्कॉम, जो उदय वन और उदय टू वाली बात जो हम कर रहे थे, यानी कि वो जो स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली और जो एनर्जी की जो थी पावर जनरेशन कंपनीज थी, उनको कितना मिल गया है, 90,000 crore का क्रेडिट पैकेज मिल गया है. अब ये उदय वन के बाद एक तरह का उदय टू है, सरकार ने इसको नाम नहीं दिया उदय टू, लेकिन ये 90,000 crore का क्रेडिट पैकेज. एंड टू इम्प्रूव द इकोसिस्टम फॉर फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, लीगल रिफॉर्म्स आर प्रपोज्ड. फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए लीगल रिफॉर्म्स हम लाए हैं. तो अब बताया था ना आपको कल, लीगल रिफॉर्म्स तरह तरह के, तो उससे एक नया इकोसिस्टम बनेगा. एंड फार्मर्स कैन चूज होम्स टू सेल, एंड ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स कैन मेंटेन लार्ज स्टॉक्स. पीएसयू मोनोपोलीज आर बीइंग रिमूव्ड. हमने मोनोपोलीज को रिमूव कर दिया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, यानी कि वही एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आए हैं. एंड टू गिव सपोर्ट टू 50 lakh स्ट्रीट वेंडर्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000 crore to be given for restocking and working capital. तो यानी street vendors को 50 lakh street vendors को हम 10,000 rupees दे रहे हैं as a working capital. हालांकि ये भी मुझे लगता है कि चूंकि क्रेडिट के तौर पे दे रहे हैं तो ये लोन जैसा ही है. So what about demand? तो ये पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत अभियान के 4 prongs दिए. तो सरकार का पक्ष आपको लिखना पड़ेगा ना, परीक्षा में तो सरकार का पक्ष लिखना होता है, वो आपको लिखना पड़ेगा. तो ये आप ऐसे देखिएगा. अब ये तो हो गया
सप्लाई साइड पे ये बोल रहे हैं व्हाट अबाउट डिमांड, तो डिमांड के बारे में उन्होंने थोड़ा सा डेफिनेशन में फिर बदल कर लिया अपने हिसाब से सुविधा से। और ये एक नई टर्म टाइप लेके आया है, एग्रीगेट डिमांड इज द सम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये बोल रहे हैं कि आप पूरे को जोड़ लीजिए, सम ऑफ कंजम्पशन यानी जितना भी उपभोग हो रहा है और इतने इस समय में जितना इन्वेस्टमेंट होगा और इंटरमीडिएट गुड्स की जो भी डिमांड होगी, इन सबको मिलाकर के एग्रीगेट डिमांड बनती है ना। इट इज नॉट ओनली कैश इन हैंड ऑफ कंज्यूमर दैट कैन क्रिएट डिमांड, और सो व्हेन एडिशनल क्रेडिट लाइंस आर गिवन एमएसएमई वेंडर्स फार्मर्स वी आर पुशिंग द डिमांड साइड। तो कुल मिलाकर के ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो डिमांड है उसको केवल आप ये समझ सोचो कि आप कैश दे देंगे केवल मजदूरों को या किसी को, है ना, और उसी से जो है जो अभिजीत बनर्जी जो बोल रहे हैं न्याय योजना, उसी से डिमांड आती है, उसी से लोग खरीदते हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे भी खरीदते हैं, दरअसल अगर कुछ चीज बन रही है तो निर्माण हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी तो हो रहा है, निर्माण जो हो रहा है अगर फैक्ट्री चल रही है कोई एमएसएमई चल रहा है या हम जो भी जितना भी क्रेडिट दे रहे हैं उससे अगर कुछ भी एक्टिविटी बढ़ रही है तो वो इन्वेस्टमेंट साइड पे भी होगा, इंटरमीडिएट गुड्स पे भी होगा और कंजम्पशन वाले पे भी होगा। बट यहाँ पर एक चीज है, राजीव कुमार जो ये सब लिख रहे हैं इसमें थोड़ी सी चालाकी दिख रही है, चालाकी दिख रही है क्योंकि अगर आप परसेंटेज वाइज जाएंगे तो लोग जो कंज्यूम करते हैं और कैश में जो चीजें खरीदते हैं उसका हिस्सा लगभग 75% होता है, और ये जो सारी बातें बता रहे हैं ये सब केवल 25% वाली बात आती है। तो एग्रीगेट डिमांड का जो हिस्सा है वो केवल 25% वाला पार्ट है, 75% जो क्षेत्र है वो आपका कैश हाथ में देने से ही बात बनती है, या फिर लोग खुद कमाए तो बात बनती है, या जब वो कमा नहीं पा रहे हैं तो आपको उनको कैश अवेलेबल कराना पड़ेगा तो बात बनेगी, तब आप इंडस्ट्री चला सकते हो, तब आपकी इकोनॉमी अच्छे से रन करती है। तो ये उसमें परसेंटेज नहीं बता रहे, ये चालाकी कर रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत विशेषता है कि ये केवल उस हिस्से को गिना देती है ना, बाकी उस चीज को करती नहीं है। सो कंजम्पशन डिमांड पुश, डायरेक्ट पुश हैज बीन गिवन वाया मेजर्स लाइक, तो कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिसकी वजह से एक पुश मिल रहा है डिमांड को। तो ये बोल रहे हैं कि एक तो हमने रुपीज 1.73 trillion फॉर इंप्रूविंग इनकम्स ऑफ वनरेबल यानी 20 crore फीमेल जनधन अकाउंट होल्डर्स जो महिलाएं हैं वो गॉट मनी डायरेक्टली, हमने 1.73 trillion तो उनको दे दिया है, एंड 50,000 rupees इनकम व्हेन टीडीएस एंड टीसीएस इज रिड्यूस्ड। तो ये हो गया लोगों के पास में इतना पैसा बच गया टीडीएस और टीसीएस को जब हमने कम किया तो, एंड रुपीज 40,000 crore एडिशनल फॉर मनरेगा, 40,000 crore हमने मनरेगा में दिया है तो इतने सारे मजदूरों को 40,000 crore रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो उससे फिर डिमांड बढ़ेगी, एंड 30,000 crore फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्सेट्रा, तो 30,000 crore कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जाएगा तो उससे फिर वो खरीदारी करेंगे। इस तरह से हम केवल सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, एमएसएमई की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम डिमांड की बात कर रहे हैं। तो ऑल दिस टेकन टुगेदर विल पुश द लो डिमांड ऑफ इन इकोनॉमी, तो ये पुश मिलेगा इससे जो लो डिमांड आई हुई है इकोनॉमी में, नीडेड फॉर क्विक रिकवरी फॉर फ्रॉम टूडेज लोस। तो आज की जो ये स्थिति है इससे हम उबर करके आएंगे। साइज ऑफ द स्टिमुलस, इट इज मोर देन रुपीज 20 trillion यानी कि 20.97 trillion and is roughly 10% of India's GDP along with bold structural reforms. It can make Indian firms reach global scale. ये लो, अब ये जो 20 trillion Indian firms को जाएगा ना तो वो global scale पे पहुंच जाएंगे, वैश्विक स्तर पे पहुंच जाएंगे भाई। तो ये supply वाली बात आप ज्यादा कर रहे हो ना, demand side, डिमांड साइड में सब गोलमाल है। ये देखिए
40,000 करोड़ से मनरेगा के मजदूर इतने पावरफुल हो जाएंगे मनरेगा में काम करने वाले कि खूब खरीददारी कर लेंगे और सारे सेक्टर को चालू कर देंगे। हिसाब लगाओ जरा, 8 करोड़ मजदूर है और 40,000 करोड़ इनका बजट है, तो 8 करोड़ मजदूर गांव में पहुंचे हैं। पहले से जो काम कर रहे हैं गांव में वो तो है ही मनरेगा में, 8 करोड़ एडिशनल मनरेगा मजदूर होंगे, ठीक है जो भी है। तो आपने सरकार का पक्ष देखा, तो निबंध लिखते समय सरकार का पक्ष भी लिखना पड़ेगा, आलोचना तो रोज करते हैं, तो आज सरकार की तारीफ भी हो गई कि सरकार ने ये किया। चलिए, चाइना प्लान सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग, हांगकांग में मौका नहीं मिल रहा था, कोविड आया तो शी जिनपिंग को हांगकांग में भी मौका मिल गया, क्योंकि कोविड के समय में लोग सड़कों पर नहीं आ सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो ये अच्छा मौका है। ऑथोरिटेरियन ऐसी चीजों का बहुत अच्छा लाभ उठाते हैं। सो ये चाइना के ऊपर व्हाइट हाउस कोई मौका नहीं छोड़ता। आज उइगर मुसलमानों की भी बात हुई तो उइगर के ऊपर जो है यूएस ने जो बिल पास कर दिया, अब ये मेलाइन एक्टिविटीज की बात चल रही है, तो कोई मौका नहीं छोड़ रहा। क्या है कि ये दिखा रहे हैं कि चाइना में देखो कितना कम है, हाँ, और कहाँ कितनी मौतें हो गई और कितनी इतनी ज्यादा हो गई और ये कैसे हो गया, तो जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र है, तो ये दिमाग में आता रहेगा इनके। वी कैन आई ऑन यूएस इलेक्शन, ईरान ट्राइज ए न्यू ट्रैक, तो यूएस इलेक्शन इसके ऊपर इनकी भी नजर है। सो चलिए, एक और उर्जित पटेल लेख लेके आए हैं। उर्जित पटेल के 2-3 आर्टिकल पहले पढ़े हमने, अब ये अमर्त्य लाहिरी और उर्जित पटेल, कांट अवॉइड यूबीक्विटस टेस्टिंग, यूबीक्विटस की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। COVID-19 कुड डू फॉर द बायोमेडिकल इंडस्ट्री व्हाट द Y2K स्केयर डिड फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर। तो Y2K स्केयर आपको पता ही है, Y2K प्रॉब्लम जब 1999 में दिसंबर में ये स्थिति आई थी कि कंप्यूटर्स में 2000 को पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तो मिलेनियम चेंज हुआ तो सारे कंप्यूटर्स के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि सब खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और सारे सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देंगे, लेकिन Y2K क्राइसिस को बहुत अच्छे से इंडिया ने हैंडल किया और आईटी सेक्टर में उछाल मारी और पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर के लोगों का बोलबाला हुआ। तो ये Y2K स्केयर की तरह ही बायोमेडिकल इंडस्ट्री में भी COVID-19 हमारे लिए Y2K साबित हो सकता है, जो 1999 में आईटी सेक्टर के लिए साबित हुआ था, वो हमारे लिए COVID-19 एक तरह का वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते हम लोग उसको कितना बनाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या बोलना चाह रहे हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल बोल रहे हैं फॉर द इकोनॉमी टू रिस्टार्ट एट टॉप पेस। देखो ये तो बोल के चले गए थे कि मेरे पारिवारिक समस्या है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन उर्जित पटेल की कोई अनुशंसा या रिकमेंडेशन सरकार ने मानी नहीं, तो नाराज हो गए थे सरकार से। अब ये इस आर्टिकल में आपको दिखेगा सरकार को क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, फॉर द इकोनॉमी टू रिस्टार्ट एट टॉप पेस कॉन्फिडेंस इन सिटीजन्स माइंड इज क्रूशियल, यानी कि लोगों के दिमाग में से डर निकलना बहुत जरूरी है कोरोना का। अगर उनको लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे तो आप इकोनॉमी चला ही नहीं सकते। तो डर निकालने का एकमात्र तरीका है टेस्ट ज्यादा से ज्यादा, यानी जहां वो जा रहे हैं वहां पर कोविड का पेशेंट नहीं है और काम का वातावरण जो है वो पूरा ऐसा है जहां पर खतरा नहीं है, तो लोग काम पे आएंगे, अदरवाइज तो कोई आप इंडस्ट्री चला नहीं सकते और इकोनॉमी नहीं चला सकते। एंड फॉर दैट वी नीड यूबीक्विटस वायरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, तो हमको यूबीक्विटस टेस्टिंग करना चाहिए, टेस्ट पर डे। इंडिया में लेट यू एट 1 लाख COVID-19 टेस्ट पर डे, तो अब हम इस जगह पर आ गए हैं कि हम 1 लाख कोविड टेस्ट पर डे कर रहे हैं, मीनिंग इट विल बी 2 ईयर्स बिफोर
5% ऑफ इंडियंस आर टेस्टेड वंस, ठीक है, वाई सच ए लो टारगेट एट ऑल? ये आपको लगता है कि 1 लाख जो है हम 130 करोड़ लोगों पर 1 लाख रोज का टेस्ट करना पर्याप्त है? When world over countries are testing at for highest rate, US million daily test target. US की जनसंख्या कितनी है, हमसे कितनी कम है, और वो 10 लाख टेस्ट रोज कर रहे हैं. जर्मनी वॉक इन टेस्ट सेंटर्स, यानी जर्मनी में आप जाएं और टेस्ट करवा लें, कोई झंझट नहीं है, ना पैसा लगना है ना टाइम लगना है, आप टेस्ट करा लीजिए. हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हम 1 लाख टेस्ट कर पा रहे हैं रोज. सो व्हाई डू इट एट ऑल? इट इज टू मेक पीपल सेफ एंड लेट देम फील सेफ व्हाइल वर्किंग. तो ये बहुत जरूरी है कि हमको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम सुरक्षित हैं, और उनको सुरक्षित महसूस भी कराना पड़ेगा. इफ दे डू नॉट फील सेफ दे विल कट बैक ऑन मेनी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, जैसे शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, बैडली हर्टिंग ए लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी. ना तो शॉपिंग होनी है, ना एंटरटेनमेंट वाले रेंज में जाएंगे, ना टूरिज्म की तरफ आएंगे, तो फिर आपकी इकोनॉमी चलनी नहीं है. तो उसके लिए उनको महसूस करना पड़ेगा. इन इंडिया 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज इन हॉस्पिटलिटी सेक्टर, 4 करोड़ वर्कर्स, 4 करोड़ कामगार जो है वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करते हैं. विदाउट मोर टेस्टिंग there will be low confidence and low spending, retarding growth. तो ये तो कुल मिलाकर के जब तक आप उनमें विश्वास नहीं दिलाएंगे तो ये सेक्टर को ऊंचा उठा ही नहीं सकते. Human interactions, the virus has minimized interaction between people, further impacting businesses, business dealings, downstream consumption is drying up, and so upstream suppliers will sink too. तो सप्लायर भी प्रभावित होगी और डिमांड भी. दिस चेन नीड्स टू बी फिक्स्ड बाय गिविंग पीपल मोर कॉन्फिडेंस. अब जब तक आप उनको विश्वास नहीं देंगे तब तक हम इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते ना. प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हमको सबसे पहले तो विश्वास दिलाना होगा लोगों को कि आप स्वस्थ रहेंगे, है ना. तब तो कंजम्पशन होगा, तब सप्लाई साइड जो है वो पर्याप्त नहीं तो वो सिंक हो जाएगी. सो व्हाट अबाउट पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर? नॉट मोर देन 15,000 करोड़ इज अलॉटेड फॉर इट रिसेंटली. तो हमने 15,000 करोड़ रुपए जो है अलॉट किए हैं अभी, बट विदाउट मच बेटर अलॉटमेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी विल डिक्लाइन मोर एंड मोर एज पीपल सेल लेस. ये कह रहे हैं कि अगर आप केवल 15,000 करोड़ रुपया निकालोगे तो कैसे काम चलने वाला है? इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तो नहीं चलेंगी ना, वो भी तो घट जाएंगे. और वेरी सून ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू विल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन नेशनल टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स. डेंजरस न्यूज फॉर इंडिया. क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो तो आपकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी के ऊपर ही डिसीजन लेने वाले हैं कि आपका टेस्टिंग, नेशनल टेस्टिंग प्रोटोकॉल कैसा है. यू बी ग्रेटर टेस्टिंग क्या चाहते हैं ये इसमें? वी नीड इट फॉर मेनी रीजंस. क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो उसके कई कारण बता रहे हैं. उर्जित पटेल ने पहला कारण बताया है, देयर इज नो वैक्सीन टुडे. आज हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, एंड विल टेक सम टाइम. वैक्सीन आ भी गई तो उसमें समय लगेगा, और खास करके भारत जैसे देश के लिए तो और समय लगेगा, क्योंकि कम से कम 60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी भारत में. 50-60 करोड़ वैक्सीन भारत को खरीदना है, फिर उसको, अच्छा वैक्सीन जब भी आएगी तब उसको आपको निशुल्क देना पड़ेगा. ये सभी देश क्लियर कर चुके हैं कि वैक्सीन के आप पैसे नहीं ले सकते हैं. तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी 60 करोड़ वैक्सीन की. इवन रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन इज नॉट ए गारंटी फॉर ऑफ नो री इन्फेक्शन. एक और चीज है कि अगर रिकवर हो गया इन्फेक्शन तो ये गारंटी भी नहीं देता ना कि फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा. इसलिए टेस्टिंग तो बहुत ज्यादा चाहिए. So multiple and regular testing of co-workers is needed to make everyone feel safe. इसलिए आप यूएस में देख रहे हैं कि वो सप्ताह में 2 बार टेस्टिंग करेंगे. हम खुद 3-4 बार टेस्टिंग करा चुके हैं अपनी, है ना. तो हर सप्ताह टेस्टिंग कराना, सप्ताह में 2 बार टेस्टिंग कराना.
और द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव विल कंटिन्यू. फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कि गलत तरीके से नेगेटिव आ जाना, यानी कि आप टेस्ट कराने गए और आपको कोरोना था और उसने नेगेटिव बता दिया तो ये फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट हुई, और आपको कोरोना नहीं था और उसका उसने आपको कोरोना बता दिया यानी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट हुई. तो इसको इस प्रॉब्लम को भी तो कंटिन्यू फेस करना है आपको, यानी कि उसको फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा. अगर मान लीजिए फॉल्स नेगेटिव है तो फिर टेस्ट कराना पड़ेगा कि भाई कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, और नहीं पॉजिटिव बता दिया तो फिर टेस्ट कराना पड़ेगा क्या मैं अभी तक पॉजिटिव हूँ, क्या मैं अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ. तो ये तो कुल मिलाकर टेस्ट बार बार होने करने पड़ेंगे ना, बहुत ज्यादा टेस्ट करना पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा टेस्ट किट्स की जरूरत पड़ेगी. सो इफ अर्बन वर्कर्स आर टू बी टेस्टेड देन अराउंड 20 करोड़ पीपल आर द टारगेट. अब अर्बन वर्कर्स को भी टेस्ट करने की बात आई तो लगभग 20 करोड़ लोगों को आपको टेस्ट करना पड़ेगा. और सेफ वर्क प्लेसेस, अगर आपको काम करने की जगह को सुरक्षित रखना है तो आपको 20 करोड़ लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी. एवरी वर्कर हैज टू बी टेस्टेड एट लीस्ट वंस एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर और वैक्सीन अराइवल टाइम, या तो अगले 1 साल के लिए या वैक्सीन आ जाने तक आपको, यानी लगभग 1 साल बाद वैक्सीन आएगी. इनके हिसाब से भी यही चल रहा है कि एक साल तक वैक्सीन नहीं आएगी. एवरी वीक, हर सप्ताह आपको टेस्ट कराना है एक बार 1 साल तक. तो दैट मीन्स 21 टेस्ट पर 1000 इंडियन, यानी 1000 लोगों पर 21 टेस्ट होने हैं लगभग. और 1 लाख टेस्ट पर डे इज जस्ट 0.08 पर 1000. तो अभी जो टेस्ट हो रहे हैं 1 लाख, वो है 0.08. 1000 पे कितने हैं? 0.08, यानी एक भी नहीं है, 0.08 है. 0.1 भी नहीं है, यानी 0.1% भी नहीं है. जबकि कितना होना है? 21 टेस्ट. तो ये कितना गुना हो जाएगा 0.08 से? अभी तो इसको 0.08 को पहले तो 0.1 पे ले जाओ. 0.1 पे ले जाओगे तो उसका 100 गुना कहां हो जाएगा, यानी उसका 100 गुना करोगे तो फिर वो 0.1 जो है वो 1 में कन्वर्ट होगा 100 गुना करोगे तो. और 100 गुना करने के बाद जब वो 1 पे कन्वर्ट होगा तो फिर आपको 21 करने के लिए फिर 21 गुना करना पड़ेगा. तो 2000 गुना टेस्टिंग करनी पड़ेगी. अभी जो जितनी टेस्टिंग हो रही है उसका करीब 2500 से 3000 गुना टेस्टिंग करनी है. तो 2500 गुना टेस्टिंग. सो कॉस्ट ऑफ RT-PCR इज बिटवीन 1000 to 2500 पर टेस्ट. एक टेस्ट पर 1000 से 2500 पर टेस्ट पड़ता है. सो इट विल डिक्लाइन विथ स्केल and can go down to just 500. Total outlay will be around 2.5% of GDP. तो ये जो total आपका खर्चा है ये GDP का 2.5% करीब जाएगा. GDP का 2.5%. अभी हम मनरेगा में कितना खर्चा बता रहे थे? 0.4 के आसपास. और हमको वर्ल्ड बैंक और तमाम जो एजेंसियां हैं वो क्या बोलती हैं? 1.7% खर्च करो. ये बोल रहे हैं कि केवल टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग प्रोटोकॉल के लिए आपको जीडीपी का 2.5% खर्च करना पड़ेगा. 2.5% केवल टेस्टिंग पे खर्च करेंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी चलेगी. उर्जित पटेल बोल रहा है, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं हमारे, और बीजेपी ने ही बनाया था इनको. नरेंद्र मोदी सरकार ने ही रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया था. दैट इज ए लार्ज सम बट कमेटोज इकोनॉमी, कोमेटोज इकोनॉमी, यानी कि जो बिल्कुल सुप्त प्राय अवस्था में चली गई, डोरमेंट चली गई, उसको अगर आपको बाहर लेके आना है तो आपको ये करना पड़ेगा. वार फुटिंग मोबिलाइजेशन, इफ दिस इज टू बी अचीव देन 2000 लैब्स विथ 5000 टेस्ट पर डे, 2000 लैब्स विथ 5000 पर टेस्ट पर डे नीडेड आर नीडेड. तो आपको 2000 लैब्स की जरूरत पड़ेगी जो 5000 टेस्ट करती हो. इट मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड अक्रॉस इंडिया. ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, स्वैब्स, रिएजेंट्स, ये आपको बहुत बड़ी मात्रा में लगेंगे, विल बी नीडेड. अल्टरनेटिव्स विल नीडेड नीड टू बी फाउंड. अब आएंगे
अब आप देखेंगे इसके स्वेब्स की और रिएजेंट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अल्टरनेटिव तरीके एक दो महीने में निकल आएंगे, पूरी दुनिया में सेल भी होगा, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, द लार्ज नंबर ऑफ टेस्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसर्स इज नीडेड फॉर ऑल दिस, तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा इस दिशा में, एंड दैट इज वेयर न्यू जॉब्स कैन बी जनरेटेड। तो एक तो ये है कि ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपया, सॉरी 2.5% ऑफ जीडीपी जब आप बात करेंगे तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया, 2.5% ऑफ जीडीपी मतलब एक तरह से 5 लाख करोड़ रुपया। तो 5 लाख करोड़ रुपया आपको और खर्च करना पड़ेगा, ये 5 लाख करोड़ आप किसको देंगे, एक तरह से नए जो है लोग आएंगे उनको मिलेगा, द वर्ल्ड विल डू इट, है ना, दिस लॉजिक होल्ड्स फॉर द होल वर्ल्ड एंड हेंस दैट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू, तो पूरी दुनिया के लिए है ये। सो इंडियन फर्म्स दैट कैन सप्लाई टेस्टिंग किट्स चीपली कैन थ्राइव, अगर हम लोग अगर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे और अगर हमारे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो काम बनाते हैं ये काम करते हैं उन लोगों को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो ये Y2K की अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, है ना, बायोमेडिसिन इंडस्ट्री के लिए। दिस बॉटम ऑफ द पिरामिड वायरस टेस्टिंग प्रोडक्ट कैन बी इंडियाज गेम चेंजर, तो भारत का ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, तो अगर हम इसमें कामयाब हुए तो ये टेस्टिंग फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो लोकस्ट की समस्या, इसके ऊपर टिड्डी दल वाली समस्या के ऊपर फिर आपको एक नोट्स बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा मैं याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, अबाउट 60 जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, और WHO रिकॉर्ड्स हाईएस्ट डेली नंबर ऑफ COVID-19 केसेस, तो अभी तो हाईएस्ट आना है। चलिए एक और आर्टिकल लेते हैं, आज का लास्ट आर्टिकल, जस्टिस फॉली एस नरीमन जो पहले फार्मर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्ट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के फॉली एस नरीमन लिख रहे हैं, जस्टिस मॉर्ग कंपेशनेट, यानी कि अच्छा न्याय होना चाहिए, अब न्याय ठीक से हुआ नहीं है तो ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी लताड़ रहे हैं, कुछ हाई कोर्ट्स को भी, और कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं, तो जरा देखने का प्रयास करते हैं। वाय रिसेंट कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर इज कंपल्सरी रीडिंग इन कोविड टाइम्स, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसा मानवीय आदेश दिया जो COVID-19 कोविड टाइम पे हम लोगों को आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए, तो ये चर्चा कर रहे हैं कुछ केसेस की, और खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह गए हैं तो उनके फेवर में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और ये आगे आया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए, द सुप्रीम कोर्ट फेल्ड द माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ इंडिया व्हाइल द हाई कोर्ट शो देयर ह्यूमन फेस, ये लो ये बोला सुप्रीम कोर्ट तो असफल रहा माइग्रेंट वर्कर्स के मामले में, लेकिन हाई कोर्ट्स ने अपना मानवीय चेहरा दिखाया। सो लॉन्ग लाइव कर्नाटक हाई कोर्ट, तो बोल रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट जिंदाबाद, कर्नाटक हाई कोर्ट जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं फॉली एस नरीमन, इसलिए बोल रहे हैं वर्डिक्ट ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट क्वेश्चन द स्टेट गवर्नमेंट ऑन नॉट फंडिंग द माइग्रेंट वर्कर्स ट्रेवल इन देयर होम स्टेट्स रिटर्न डिपॉजिट फंड्स फॉर ट्रेन फेयर्स, तो ये बोल रहे हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर मान लिया जाए बिहार का है और वो कर्नाटक में है और कर्नाटक से जाना चाहता है ट्रेन में, तो आप बोल रहे हैं कि होम स्टेट यानी आप बिहार के मजदूर हो तो बिहार का सीएम जो है पैसा जब तक आपका किराया नहीं भर देता हम आपको ट्रेन में नहीं बिठाएंगे, तो नीतीश कुमार अगर बिहार के सीएम है और अगर वो किसी मजदूर का पैसा नहीं देंगे कर्नाटक सरकार को तो ट्रेन में नहीं बैठने देंगे उसको क्योंकि किराया नहीं दिया, तो आप किराया दीजिए। तो सिंस सेंटर हैड लेड डाउन रूल्स फॉर रीइंबर्समेंट, उन्होंने कहा कि केंद्र तो
ये रूल बना ही चुका है ना कि रीएम्बर्स हो जाएगा आपको पैसा, भी आप पैसा दे दीजिए बाद में आपको मिल जाएगा। द कोर्ट आस्क द गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने कहा सरकार को, कर्नाटक सरकार को क्या बोला, टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ इट्स डिसीजन, आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं इसका लॉजिक बताइए, लॉजिक दीजिए कि आप किस लॉजिक से जो आप पैसा जमा नहीं हो उसका टिकट नहीं बनाएंगे। वाज द स्टेट सेइंग दैट वर्कर्स विथ नो इनकम वुड नॉट ट्रेवल बाय द श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, और स्टेट बोलता है, कर्नाटक राज्य बोलता है कि वर्कर्स जिनकी इनकम नहीं है या उसके पास पैसा खत्म हो गया, उसने खा पी के खत्म कर दिया, वो ट्रेवल नहीं कर सकता श्रमिक स्पेशल ट्रेन से। तो हाईकोर्ट ने डांट लगाई कर्नाटक हाईकोर्ट ने और कहा इसको भेजो जल्दी से। इसलिए फालियस नरीमन बोल रहे हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट जिंदाबाद, यानी कि कोविड के टाइम पे कहीं कहीं न्याय मिल रहा है, यानी न्यायमूर्ति को केवल आदेश देना है, कलम चलानी है और आदमी घर पहुंच जाएगा ट्रेन में बैठ के। अगर न्यायाधीश कलम नहीं चलाएगा तो वो पैदल चलेगा, अपनी माँ को कंधे पे बिठा के चलेगा, गोद में लेके चलेगा, बच्चों को सिर पे बिठा करके सामान लेके चलेंगे, ट्रॉली बना करके ट्रॉली बैग पे लिटा करके बच्चों को चलेंगे, केवल कलम चलानी है। न्यायाधीश ने यदि कलम चला दी तो उसको ट्रेन मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी, घर पहुंच जाएगा, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। न्यायाधीश ने अगर कलम नहीं चलाई तो सुप्रीम कोर्ट वाले ने कलम नहीं चलाई और हाईकोर्ट वाले ने कलम चला दी। ये देखो यहां सुप्रीम कोर्ट पे न्याय के मामले में भारी पड़ गया हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट कोर्ट हैड डिक्लाइन टू पास एनी ऑर्डर्स डायरेक्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू माइग्रेंट वर्कर्स। ये लो सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, बोले हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, बल्कि जो ये अपील लेके गए थे, रिट पिटीशन लेके गए थे, उनको भगा दिया कि तुम तो पहले बुराई करते थे ना मेरी, चलो भागो यहां से, मैं जज हूं और मेरी आलोचना करते हो, तुमको शर्म नहीं आती। फिर ये वर्कर्स का मुद्दा लेके आ गए यहाँ पे बार बार, प्रशांत भूषण को भगा दिया, मैं जानता हूं तुम बुराई करते रहते हो मेरी, अखबार में मेरे खिलाफ लिखते रहते हो। ये लोग जज जो है माइग्रेंट वर्कर की तरफ नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि जो वकील वहां आवेदन लेके आया उनकी तरफ से वो उसकी आलोचना करता है। तो इतने सारे लाखों मजदूर जो है वो सड़कों पे चलते रहे और बीजेपी ने जो है सरकार ने बोल दिया, सरकार ने पक्ष रख दिया अपना। क्या रख दिया कि एक भी सड़क पर, एक भी मजदूर सड़क पे नहीं है, आप कोई सड़क पे मजदूर बता दो हमको। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया हाँ हाँ नहीं है तो फालतू बात है, वो आ जाता है बस, वो मेरी बुराई करता है और मेरे पास लेके आ जाता है ऐसे मजदूरों का मामला। तो सरकार ने भी कहा हाँ सर आप टेंशन मत करो, कोई नहीं है सड़क पे, सब अच्छे से घर पहुंच गए और सब मस्ती से खा पी रहे हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है मजदूरों को। तो उसने भी मान लिया, उन्होंने भी मान लिया, कितना मजेदार है। ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट तो बात ही अलग है भाई, दे वर वॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑन द हाईवेज, कितने ही लोग, बट द सुप्रीम कोर्ट वॉज अनमूव्ड, स्पेशल लॉ इन 1979। तो एक उदाहरण दे रहे हैं ये कि इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्लियामेंट इन 1979। वो बोल रहे हैं कि 1979 में संसद ही कुछ अलग प्रकार की थी, दैट कंसिडर्ड द प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, वो मजदूरों का एक तरह से दुखदर्द समझती थी, एंड पास द लॉ टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए उसने, उस संसद ने उस समय में कानून बना दिया था 1979 में। हाई कोर्ट जजेस ड्यूरिंग द 1975 इमरजेंसी, सिक्स हाई कोर्ट्स रूल दैट ऑप्रेसिव लॉज आर इंडेड रिव्यूएबल बाय हाई कोर्ट्स। ये लो, तो छह हाई कोर्ट ऐसे थे जिन्होंने ऑप्रेसिव लॉज बनाए थे उसमें, बट द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल दैट व्यू बाय 4:1 इन द नोटोरियस एडीएम जबलपुर, है ना, AI 1976 सुप्रीम कोर्ट 1207 केस। तो एडीएम जबलपुर केस बहुत फेमस केस है और इसको आप एडीएम जबलपुर केस के नाम से जब आप सर्च करोगे तो विकिपीडिया में आ जाएगा, और उसका इंट्रोडक्शन जो है वो 8-10 लाइन में शुरू के पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। दैट वर्डिंग वाज ओवरऑल बाय 9-0 वर्डिक्ट इन 2007 इन द पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये बता रहे हाईकोर्ट जजेस के बारे में,
डिस्टर्बिंग ट्रेंड कब आया था, जब सीएस कर्णन की बात आई थी इन मई 2017, सेवन सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूजिंग द कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन 129 पनिश्ड सिटिंग जज जे सी एस कर्णन ऑफ हाईकोर्ट मद्रास बाय जेलिंग हिम फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दरअसल ये जो जे सी एस कर्णन थे ये शेड्यूल कास्ट के जस्टिस थे हाईकोर्ट मद्रास के। अभी चेन्नई का जो तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है उसको हाईकोर्ट मद्रास से कहा जाता है, उसका नाम चेंज नहीं किया उन्होंने। तो हाईकोर्ट मद्रास के जज थे जे सी एस कर्णन, जस्टिस सी एस कर्णन। तो जस्टिस सी एस कर्णन जो थे वो शेड्यूल कास्ट से आते थे, तो इन्होंने आरोप लगा दिया कि चूंकि मैं शेड्यूल कास्ट से हूं इसलिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये ब्राह्मणवादी है और ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट के और कई हाई कोर्ट के जज है भ्रष्ट है, मैं जानता हूं इनको। और मैं उसने आदेश दे दिया, जस्टिस सी एस कर्णन ने आदेश दे दिया पुलिस को कि इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, इनको क्योंकि इन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है और ये ठीक नहीं है ये लोग, और मैं आदेश देता हूं यहां से। तो उसने वारंट निकाल दिया कोर्ट से, तो थोड़ा खिसक गए थे जज साहब। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया कि इन जज साहब को जो है कर्णन साहब का दिमाग खराब है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, इनको गिरफ्तार करके जेल में डालो। बाद में भाई सुप्रीम कोर्ट के जज ऊपर रहे, लेकिन यहाँ कह रहे थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी वायलेशन किया है, यहाँ पर फालियस नरीमन बोल रहे हैं। तो फिर वो जस्टिस कर्णन को जो है काफी कुछ दिन जेल में रहना पड़ा और अपनी सजा पूरी करके जब वो बाहर आए तो अभी बोलते हैं वो कि हम सही थे और हम तो सही बोल रहे थे आपको। तो जेलिंग हिम फ्रॉम कंटेंप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस वॉज अ फर्स्ट। जस्टिस कर्णन हैड एंगेज्ड इन मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड सम हाई कोर्ट जजेस टू। सुप्रीम कोर्ट जजेस वर वेरी एंग्री बट दे मे ऑल्सो हैव बीन वेरी रॉन्ग। तो फालियस नरीमन बोलते हैं कि वो भी बहुत गलत थे। वैसे कर्णन तो अपनी जगह ठीक है, गलती की उन्होंने जो भी है अनुशासनहीनता कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे थे, नहीं कई मामलों में वो गलत थे। तो ये डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो है बीच में आया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वर्सेस। तो हाईकोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाईकोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बोल रहे हैं कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है हाईकोर्ट जो है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग जरूर होता है हाईकोर्ट उससे, और एक तरह से उसके लिए प्रेसिडेंस का काम करते हैं और आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। हम बोलते हैं हमारा अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय हाईकोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है और सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो उनके साथ वो बाउंड होता है, हाईकोर्ट को उसको फॉलो करना पड़ता है। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, द कर्णन केस वॉज रॉन्गली जज्ड, द लॉ इज क्लियर, a judge of a superior court under the constitution who is vested in the power to commit for contempt of court cannot himself be committed for criminal attempt. This has been held by the High Court of Patna 1981 and even by the Supreme Court itself 1988. तो उसके हिसाब से अपने खुद के High Court Patna के 1981 के decision से और Supreme Court के खुद के 1988 के decision से ये अभी 2017 में कर्णन के साथ एक तरह से कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट मामले में गलत हुआ। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको कोर्ट के बारे में और इसके बारे में बतानी थी। मुझे लगता है अच्छी खासी जानकारियां आपको हुई, और मजदूरों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कोविड टेस्ट के बारे में कुछ हमने एडिटोरियल्स पढ़े। तो अब आप इससे जुड़ी हुई जानकारी नोट्स इकट्ठा कीजिए, बनाइए, तो कल और नई जानकारियों के साथ और चीजों के